नमस्ते, मैं डॉक्टर शालिनी मल्होत्रा, बोर्ड सर्टिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एंड कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। मेरे पास जब पेशेंट्स कंसल्टेशन के लिए आते हैं, उनके दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चन मुझसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर, हमें हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए पूरा बॉल्ड तो नहीं होना पड़ेगा? गंजा दिखने में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के लिए, अगर उन्हें पूरे बाल शेव करने पड़े तो। दूसरा उनके क्वेश्चन होता है कि रिजल्ट नेचुरल आएगा कि नहीं आएगा, कहीं वो अजीब तो नहीं लगेगा, कहीं लोग देखते ही तो नहीं बता देंगे कि ट्रांसप्लांट हुआ है, ट्रांसप्लांट घना होगा कि नहीं होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको कुछ पिक्चर्स द्वारा आज बताना चाहूँगी। ये देखिए, ये मेरे 25 साल के एक पेशेंट हैं। ये जब मेरे पास आए थे, काफ़ी घबराए हुए थे क्योंकि इनकी सडनली हेयर लाइन पीछे जानी शुरू हो गई। इनको बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि अब हेयर लाइन शुरू हो गया, अब मैं कहीं पूरा गंजा तो नहीं हो जाऊँगा। ये पिक्चर देखिए, हमने इनकी हेयरलाइन ड्रॉ की है। ये बिफोर ट्रांसप्लांट की पिक्चर है। ये इनकी लेफ्ट साइड की हेयरलाइन है, ये राइट साइड का एरिया जो हम कवर करेंगे ट्रांसप्लांट में। ये इनका डोनर एरिया है। डोनर एरिया मतलब पीछे का हिस्सा जहाँ से हमने बाल एक्सट्रैक्ट किए। ये इनकी अगले दिन की पिक्चर है, इधर बाल लग चुके हैं। गौर फरमाइएगा, जिधर बाल लगे हैं उधर ऐसे ब्राउन ब्राउन क्रस्ट्स हो जाते हैं जो कि डेड टिश्यू होता है। जैसे पपड़ियाँ बनती हैं हमें चोट लगने के बाद, वैसे ही ऐसे डॉट डॉट्स करके ब्राउन कलर की पपड़ियाँ बन जाती हैं। ये पपड़ियाँ कुछ 6 से 7 दिन में अपने आप झड़ जाती है और फिर आपको बाल नज़र आने लगते हैं वहाँ पर। ये इनकी सामने की हेयरलाइन है। हेयरलाइन बहुत नेचुरल है, इररेगुलर है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ये इनके राइट साइड का एरिया है। इधर देखिए, इनका जो हमने इम्प्लांटेशन एरिया है वो बिल्कुल शेव नहीं किया है, सिर्फ डोनर एरिया शेव किया है। इसको हम कहते हैं क्रू कट। तो जो पेशेंट्स का कंसर्न होता है कि हमें पूरा बॉल्ड तो नहीं होना पड़ेगा, मैंने उस चीज़ को यहाँ एड्रेस करने की कोशिश की है। पेशेंट को हमने पूरा बॉल्ड नहीं किया है, पीछे क्रू कट दिया है। ये एक हफ्ते बाद जब पीछे का एरिया हील हो जाएगा तो एक बाबर के पास जाकर, एक नाई के पास जाकर अपने इस एरिया को मर्जिंग करा सकते हैं, एक बहुत स्मार्ट आर्मी कट ले सकते हैं। ये इनका राइट साइड है, ये इनका लेफ्ट साइड है आफ्टर ट्रांसप्लांट ऑन द नेक्स्ट डे। ये इनका डोनर एरिया है अगले दिन का। आप देखिएगा, डोनर एरिया की हीलिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ये छोटे छोटे लाल लाल जो आप कुछ घाव नज़र आ रहे हैं, इस एरिया से हमने बाल निकाले थे। अगले दिन में ही कम से कम 50% हीलिंग हो गई है। पूरी हीलिंग होने में 5 से 6 दिन लगते हैं। उसके बाद ये स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाती है जैसे पहले थी। आसपास के बाल उग जाते हैं और फिर बिल्कुल पता नहीं चलता है कि कभी यहाँ से बाल निकाले भी गए थे। ये इनके 8 महीने का रिजल्ट है। कितना नेचुरल रिजल्ट है। ये इनकी हेयरलाइन है। हेयरलाइन इररेगुलर है, स्ट्रेट नहीं है, आसपास के बालों के साथ मर्जिंग की हुई है, कहीं पे गैप नहीं है। घनापन एग्जिस्टिंग हेयर के हिसाब से दिया है, बिल्कुल अलग नहीं लग रहा है। कोई अगर ऐसे इन्हें पहली बार मिले तो बता नहीं पाएगा कि ये ट्रांसप्लांटेड रिजल्ट है। ये इनके लेफ्ट साइड की हेयरलाइन है, ये इनकी फ्रंट की हेयरलाइन है, और जब इन्होंने बाल छोड़े तो ये इनका फाइनल लुक है। इस रिजल्ट से ये पेशेंट बहुत ही खुश था। इनकी अगले ही साल शादी भी हो गई जब इन्होंने ट्रांसप्लांट कराया। उसके बाद बहुत नेचुरल लुक है। इनका ट्रांसप्लांट हमने 2013 या 14 में किया था। ये आज भी जब मेरे पास आते हैं उसी तरह के बाल घने लेकर आते हैं और उसी तरह की स्माइल लेके आते हैं। इसलिए आपका जब भी ट्रांसप्लांट करवाने का मन करे, आप घबराइए नहीं, हम आपको शेव नहीं करेंगे, हम अनशेवन ट्रांसप्लांट करेंगे। इनको तो हमने क्रू कट दिया, बट हमारे पास ये भी तकनीक है जिसमें हम पीछे का एरिया बिल्कुल शेव नहीं करते हैं, तो किसी को पता नहीं चलता है कि आपने ट्रांसप्लांट करवाया है। दूसरा बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। मैं खुद अपने हाथों से एक एक ग्राफ्ट डालती हूँ। आपका डॉक्टर आपकी सर्जरी कर रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत नेचुरल रिजल्ट आएगा, बहुत सुंदर, बहुत ही घना रिजल्ट आएगा, एंड दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर बॉल्डनेस। प्लीज़ गो फॉर इट। तो अगर आपको आपका गंजापन बुरे सपने दे रहा है, आपकी रातों की नींद जा रही है, आप प्लीज़ मेरे पास आइए, मेरे से 1-on-1 कंसल्टेशन लीजिए। आई विल डू माई बेस्ट कि आपको मैं सबसे अच्छा सेफ ऑप्शन बताऊँ और आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। थैंक यू।